नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, आईपीटी एक्सेल स्कूल एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम ऐप का प्रोग्रामिंग की एक छोटी सी क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों इंक्लूड है, मुझे इसमें से नंबर को स्ट्रैक करना है। और माफ कीजिएगा, मैं VVA के थ्रू नहीं, इसको हम एरे फॉर्मूला के थ्रू निकालना बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको VVA के थ्रू निकालना बताएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनवरी तक जो है जनवरी 2020 तक 5000 वीडियो का लक्ष्य रखा हूँ, क्योंकि मेरे भी 2500 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। और मैं 5000 वीडियो का लक्ष्य लगा हूं कि मैं जनवरी तक 5000 वीडियोज इस चैनल पे अपलोड करूंगा। और समझ जाइए कि 5000 टॉपिक्स आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको एरे के थ्रू करेंगे। तो एरे के पहले मैं एरे का फॉर्मूला लगाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। या चलिए पहले कंसेप्ट के साथ ही बताऊंगा, फिर इसको हम आपस में मर्ज करेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे पास नंबर ए है, इस नंबर को हम चाहते इसमें से सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए, एरे फॉर्मूला इस पे लग जाएगा क्योंकि आपका नंबर इकट्ठा है। अगर आपका डेटा में ऐसा होता कि ये नंबर होता इस तरह से मिक्सअप होता तो मेरा ये एग्जाम्पल इसमें काम नहीं करता, बट यहां पे मेरा एग्जाम्पल काम करेगा। तो सबसे पहले मैं मिड का फॉर्मूला, मैं इसको कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर इसको मैं एक सेल में करके बताऊंगा। मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहां पे कॉलन फॉर्मूला ले लेते हैं एंड कॉमा वन, और हम इसको आगे तक जो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं ताकि आपका हर एक लेटर एक सेल में आ जाएगा, हर एक लेटर आपका एक सेल में आ जाएगा। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं। अब यहां पे देखिए क्या है कि इसमें इज टेक्स्ट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इज टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए ट्रू आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें नंबर और टेक्स्ट को अलग करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय वन कर देता हूं। इससे क्या हुआ कि जो आपका नंबर है वो तो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका टेक्स्ट होगा उस पे एरर आ जाएगा। फिर मैं यहां इज एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा कि इज एरर, और यहां पे हमें ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है। पहला तो देखना है कि हमारा नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है और नंबर हमारा कितने डिजिट का है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हो गया, हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले तो हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और मैच के फॉर्मूले में बोलेंगे भाई फॉल्स को बताओ कि फॉल्स का लोकेशन क्या है। तो ये फॉल्स का लोकेशन बताएगा कि ये आपका चौथे नंबर से फॉल्स स्टार्ट है। हमें ये पता चल गया कि हमारा नंबर चौथे नंबर से स्टार्ट है, कितने हैं। तो उसके लिए हम यहां काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि आखिर में फॉल्स है कितने। या फिर मैं यहां पे काउंट का फॉर्मूला अगर लगाता हूं काउंट का फॉर्मूला लगाता हूं, तो चार डिजिट है क्योंकि एरर को काउंट कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ नंबर को कंसीडर करता है। अब मैं यहां पे फाइनली मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें से चौथे से स्टार्ट करो और चार कैरेक्टर को अलग, नंबर आ गया 8546।
ये तो कंसेप्ट था, अब चलिए इसी को यहाँ एरे फॉर्मेट में लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिड मेन है जो रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम मिड का फॉर्मूला लगाते हैं और मिड के फॉर्मूले में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है स्टार्ट नंबर कि कहाँ से स्टार्ट हो, तो स्टार्ट नंबर हमारा मैच दिया था हमें, तो यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच के फॉर्मूले बोलेंगे फॉल्स, और हम किसके अंदर फॉल्स कर रहे हैं, हम फॉल्स कर रहे हैं इज एरर, और इज एरर में क्या है, तो इज एरर में है आपका मिड मिड, और मिड में हमने इसको दिया हुआ है, और हमने अब इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर है उसके हिसाब से करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रो का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो रो में हमें जैसे कि इसमें कितने लेटर थे, 9 थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेके 9 तक चलो और एक लेटर लो, तो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई बाय 1 का, और यहां पे हम देते हैं 0। ये हमारा मैच हो गया। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का, और काउंट में हम सब चीज लेंगे, बस इज एरर वाला ऑप्शन, इज एरर नहीं माफ कीजिएगा, मिड, हाँ मिड एंड मल्टीप्लाई वाला जो सिस्टम है उसको यहाँ पे रख देते हैं सिंपल से। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया, बट यहाँ आपका 9 करेक्टर तक फिक्स है। अब इस 9 करेक्टर को मुझे ऑटोमेट करना है, तो हम यहाँ आते हैं और इसको डिलीट करते हैं, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, और इसके साथ हम लेन को कंसीडर करेंगे। लेन इसमें से नंबर ऑफ लेंथ निकलेगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि ये आपका कंकरेंट लगने से, लेन लगने से क्या दिक्कत हुआ, ये टेक्स्ट में हो गया, तो इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और हम इसको क्लोज करते हैं, और सेम प्रोसीजर यहां भी हमें अप्लाई करना है। और इसको हमें इनडायरेक्ट के अंदर रखना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया, और ये आपका रिजल्ट। तो इसमें हमें दिक्कत आया था कि आपका नंबर अगर 2 पार्ट में हुआ तो ये आपका कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, हमारे पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं, या हमारे पास लाइव एक्सेल सीखना है मेरे साथ खुद से, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है गो टू मीटिंग से, जो कि मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। iptindia.com पे जाइए, वहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कभी भी किसी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।